डियर स्टूडेंट्स, SIPT के लिए आज 17 नंबर एपिसोड हम लोग कर रहे हैं और यही एपिसोड कल के आपके टॉपिक बेस्ड टेस्ट का भी विषय होगा। इसके ही टॉपिक्स लिए जाएंगे कल के 30 क्वेश्चंस के जो प्रैक्टिस टेस्ट आ रहे हैं उसी में। तो सारे लोग ये समझ लें, इसे अच्छे से पढ़ें और इतना अच्छे से पढ़ें कि आप 30 में 30 क्वेश्चंस बनाएं। ये अलग बात है कि इसमें कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चंस होंगे और SPD के होंगे, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि देखते हैं कि इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो 30 के 30 आंसर्स करते हैं कल जो टेस्ट आएगा। अगर आप 29 और 28 भी करते हैं तो ये शानदार प्रदर्शन होगा कल के प्रैक्टिस सेट में जो 17 नंबर पे आएगा आपका 30 क्वेश्चंस। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स ले रहे हैं ये आप मानकर चलें कि धीरे धीरे सबके डेट्स आ रहे हैं और आप लोग भी बराबर कहते हैं कि डेट्स क्यों नहीं आ रहा है। मेंस का आ गया, दूसरे एग्जाम्स के डेट आ गए, BPSC का भी मेंस का आ गया, तो सब कुछ आ रहा है वन बाय वन। चाहे ये इसके पीछे जो भी कारण हो, राजनीतिक कारण हो या प्रशासनिक कारण हो या जो भी हो, हमें मतलब नहीं है, हमें अपने एग्ज़ाम से मतलब है और इसके रिजल्ट से मतलब है। तो एग्ज़ाम्स हो जाएं और जल्द से जल्द आपके रिजल्ट्स आ जाएं, आपका जो परिश्रम है उसका सही सही आपको फल मिले और ईमानदारी से जो बीच के बिचौलिए हैं वो बाधा ना बने। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स ले रहे हैं उसमें हिस्ट्री का आज टॉपिक है। चूँकि हिस्ट्री के क्वेश्चन 15 से लेकर 18 तक हो सकते हैं 100 क्वेश्चन में, 15 प्लस तो होंगे ही होंगे हिस्ट्री क्वेश्चंस। आप ये मानकर चलें सबसे अधिक क्वेश्चंस हिस्ट्री के ही होंगे, उसके बाद GK टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर साइंस और करंट अफेयर से क्वेश्चंस काफ़ी रहेंगे। आज जो हम लोग हिस्ट्री का पहला टॉपिक कर रहे हैं उसमें आज हर्षवर्धन हम लोग कर रहे हैं और अब प्राचीन भारत में कुछ प्रमुख जो राज्य हैं, वंश हैं, वो समाप्त हो जाएगा। आपने बहुत स्टार्ट से लिया, बहुत सारे वंशों को राजवंशों को किया, एक बड़ा राजवंश जो गुप्तकाल के बाद आपको दिखाई देगा अब, वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन यानी गुप्त काल के बाद के मौखरी हैं, वर्धन वंश हैं, पुष्यबुद्धि वंश हैं, उसमें हर्षवर्धन का प्रमुख शासन आपको दिखाई देगा। हर्षवर्धन एक लोकप्रिय शासक थे, इन्होंने सभी धर्मों को सम्मान दिया, शासन में भी सामंजस्य बनाकर रखा। ये हर 5 वर्ष पर प्रयाग में माँ मोक्ष परिषद आयोजित करते थे। वेंग सांग इस समय आए, वाण भट्ट यहाँ पर दिखाई देते हैं, काफ़ी कुछ है कहने को, लिखने को, नोट डाउन करने को। तो हर्षवर्धन करें 606 से लेकर 647 इनका शासनकाल है। उसके बाद हम लोग एक कर रहे हैं फिजिक्स में, साउंड कर रहे हैं, ध्वनि हम लोग कर रहे हैं। अब ध्वनि पर अलग अलग किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, ध्वनि किस प्रकार का वेव है और फिर ध्वनि के अलग अलग पक्ष जैसे डॉपलर का प्रभाव करना है, मैक नंबर करना है, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, सुपरसोनिक, ये सब करना है, तो आप करेंगे ध्वनि। उसके बाद ज्योग्राफी का एक टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, इसमें फॉरेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा नया टॉपिक आपको लग सकता है, जंगल, भारत में वन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ किस रूप में विस्तृत है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट, यहाँ पर पर्वतीय वन है, उसके बाद रेगिस्तानी वन है, बहुत सारा यहाँ पर वन का प्रकार दिखाई देगा। इसमें आपको क्वेश्चंस आते हैं कि किस क्षेत्र में किस प्रकार का वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है, वन है, और ये कहाँ कहाँ किस रूप में किस किस ऊंचाई पर विस्तृत है और उसका नाम क्या है, फिर इसके नाम भी पूछे जाते हैं, तो आप करेंगे फॉरेस्ट। उसके बाद हम लोग SPD से GK GS और साइंस करते हैं। SPD से आज 2 पेजेस आप करेंगे, 42 और 43, लेकिन हम आपसे फिर कहेंगे SPD की एक अलग महत्ता है। अगर आप लूसेंट या क्राउन के साथ SPD कर रहे हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा पाएंगे, जो केवल लूसेंट या केवल क्राउन कर रहे हैं और SPD नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा सेगमेंट आप मिस कर रहे हैं। SPD आप साथ में ज़रूर करें और हम देख रहे हैं कि हर पेज पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है और यही SPD की महत्ता है। तो यहाँ पर 42 और 43 पे आप आएंगे तो 42 पर एक तरह से रिवीजन टॉपिक है, इसमें भाग है, अनुच्छेद है, भारत के अलग अलग भाग। अब बताइए मूल कर्तव्य किस भाग में वर्णित है, या पंचायती राज किस भाग में वर्णित है, निर्वाचन, इमरजेंसी, ये सब किस भाग में वर्णित है, उस पर अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, तो इंपॉर्टेंट तो होते ही हैं। उसके बाद 43 नंबर पेज पर आप आएंगे तो यहाँ पर पर्यटक स्थल है, अब जैसे कोणार्क है, अजंता है, एलोरा है, ताजमहल है, और साथ ही मेजरिंग डिवाइस है, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, ये सब क्या मेज़र करता है, तो ये सब अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और सबसे बढ़ के आप पढ़े हुए हैं तो रिवीजन हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 10 सेट करते हैं GK GS वाले सेगमेंट में, ऐसे 460 सेट्स हैं मॉडल सेट्स, 10 आज आप कर लें 101 से लेकर 110 तक मॉडल सेट्स, जिसका शब्द सेट है और हर सेट में लगभग 12-14 वन लाइनर्स हैं, तो ये आपका GK GS वाले सेगमेंट से आपके कुछ क्वेश्चंस, कुछ पेजेस यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद हम लोग साइंस वाले सेगमेंट से कुछ पेजेस करते हैं जिसमें शुरुआत में RRBs के वन लाइनर्स हैं, रेलवे बोर्ड में आए हुए वन लाइनर्स, आज 29 और 30 2 पेजेस आप कर लें और इसके सारे वन लाइनर्स, और फिर यहीं पर हमने छोड़ दिया साइंस को, आगे हम नहीं बढ़ रहे जो कि आपके ज़्यादा बहुत ज़्यादा होमवर्क ना हो जाए। उसके बाद करंट अफेयर्स आप कर लें, 5 सितंबर और 12 जनवरी,
5 सितंबर और 12 जनवरी, इस पर आपका प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चंस आएगा। तो दो डेट्स डेट वाइज आप कर लें, इतना कर लें कि आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएं। हम कहीं और से नहीं देते, जहां से आप निकालेंगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे वहीं से हमारे भी क्वेश्चंस होंगे। तो अब ये क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी आपके बनने चाहिए, चूँकि सिलेबस ओपन हो गया क्या कि 5 सितंबर और 12 जनवरी के डेट वाइज करंट अफेयर्स आएंगे। टेक केयर।